आज BCCL के तरफ से 50 प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल्स के बच्चों को इंडो डैनिश टूल रूम वाराणसी सेंटर में ट्रेनिंग दिलाने के लिए यहाँ से बस रवाना किया गया। आज BCCL CMD श्री समीरन दत्ता, डायरेक्टर पर्सनल श्री मुरली कृष्ण रमैया, डायरेक्टर फाइनेंस RK सहाय, डायरेक्टर टेक्निकल संजय सिंह और CVO अमन राज ने संयुक्त रूप से बस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनिंग 50 बच्चों को दिया जाएगा। आज इस मौके पर CMD श्री समीरन दत्ता ने कहा कि ये ट्रेनिंग लेकर बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और वो खुद का रोज़गार क्रिएट कर सकेंगे। आने वाले दिनों में भी BCCL बहुत सारे CSR प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है, जैसे कि NSDC के द्वारा फैशन प्रेन्योरशिप बिलगड़िया में चलाया जाएगा। इस मौके पर BCCL के डायरेक्टर पर्सनल श्री मुरली कृष्ण रमैया का कहना है कि BCCL CSR का मेन फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होगा, ताकि लोगों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में GM बस्ताकोला और GM लोधना का भी बड़ा योगदान रहा है। इस मौके पर GM बस्ताकोला श्री जयेश चंद्र राय भी मौजूद थे। इन 50 बच्चों में 34 बच्चे बस्ताकोला एरिया से आते हैं। माननीय मंत्री जी तथा कोयला सचिव, हम लोग को बार बार बोलते हैं, हम लोग तो इधर कोई प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल है, तो हम लोग कोई स्किल डेवलपमेंट इसके लिए खास तौर पे हम लोग करें तो कंपनी का CSR का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और समाज का भी उन्नति होगा। इसी मार्गदर्शन के साथ हम लोग आज IDTR के आशुतोष सर भी आए हैं। IDTR एक गवर्नमेंट MSME का अंडर में एक संस्था है जिन्होंने बहुत मशहूर है स्किल डेवलपमेंट देने के लिए, और हम लोग इसलिए 50 का एक बैच आप लोग देखे हैं, 3 स्किल के लिए किए हैं, हैंडल मशीन, मोबाइल रिपेयरिंग, AC रिपेयरिंग, CMC मिलिंग। तो ये सब हो जाने के बाद इन लोग ना केवल स्किल्ड हो जाएगा और इन लोग भी IDTR भी एश्योरेंस दे रहा है कि इन लोग का 90% ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, वो नहीं तो खुद का भी एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप है जो BCCL ने लिया है, ये शुरुआत है। मैं एश्योर करता हूँ इससे काफ़ी ज़्यादा होगा और बैचेस बाई बैचेस होगा। इस बार कितनी लागत बच्चों के पीछे करीब 35 लाख का मोटा मोटी खर्चा है इस बार के लिए। उसके अलावा अभी सर ने अनाउंस कर दिया और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा इस तरह का? इस तरह का बहुत कार्यक्रम रहेंगे। हम लोग एकदम ऑनलाइन में लोगों को एप्लीकेशन ले रहे हैं और एकदम BFSI 150 कर रहे हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। वो GP साहब आपको NSDC का साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट का साथ, कि हम लोग 2 साइट ऑलरेडी चूज़ किया है, एक बिलगड़िया में, एक ब्लॉक बरोरा में, तो ये दोनों साइट में भी अभी काफ़ी स्किल डेवलपमेंट चालू होगा। देखिए, हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ माइनिंग ही नहीं करना है, यहाँ के प्रोजेक्ट अफेक्टेड जितने लोग हैं उन लोगों को हेल्प भी करना है। ये एक हमारे पोल सेक्रेटरी साहब के जो पहल हुई थी उसमें CMD साहब बोले थे कि इसको करना ही है, तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि ये जो IDTR है, इंडो डैनिश टूल रूम, जो जमशेदपुर की एक जो MSME संस्थान है, तो इन्होंने हम लोगों को अप्रोच किया था। तो 50 कैंडिडेट्स जो CNC मिलिंग, होम अप्लायंसेस, देन आपका हैंडहेल्ड फोन्स का है, ये सब करेंगे, तो इसमें चांसेस है कि 90% लोगों का प्लेसमेंट हो जाए। और अगर कोई इसके बाद भी अगर सोचे कि मैं अपने एरिया में जाके वहीं पर कुछ अगर करना चाहूँ, फ़ोन रिपेयर का दुकान खोलना चाहूँ, तो आराम से कर सकते हैं। ये तो शुरुआत है सिर्फ। और हम लोग भी BFSI जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस एंड सर्विसेज में जो कर रहे हैं उसमें करीब 150 कैंडिडेट्स का कर रहे हैं, और हम लोग ये NSDC के साथ में हम लोग वहाँ पर भी कुछ करीब 150 लोगों का वहाँ कर रहे हैं, बेलगोरिया में कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट एफर्ट लोग हैं। तो हम लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं और हम लोग ऐसा लगता है कि ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा जब तक हमारे सभी लोग ठीक ठाक सेटल ना हो जाए। स्थानीय लोगों को इसका कितना लाभ? स्थानीय लोग देखिए, अब मैं बताता हूँ कि जिन लोगों का जो क्वालिफिकेशन है, जिन लोगों को नौकरी मिल गई है अच्छा है, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिले हम लोग देखेंगे कि वो अपने पैरों पर किस तरह से खड़े हों, हम लोग ये स्किल देंगे। हम लोग अभी ये टेलरिंग का लड़कियों को दे रहे ट्रेनिंग, औरतों को दे रहे हैं कि टेलरिंग का ट्रेनिंग देंगे NSDC के थ्रू, वहाँ पर फैशन का ट्रेनिंग देंगे, ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग देंगे। ये हमको सिर्फ यही नहीं है कि एक आदमी को बचाना है, हमको सभी को बचाना है, सभी को ठीक ठाक पैरों पर खड़ा करना है। कि अब वो क्या, कौशल भारत तो एक है और कुशल भारत एक है, कौशल भारत, कुशल भारत और स्वस्थ भारत, यही है हमारा नारा।